बिल्ला तूने ऐसा क्यों किया यार? 6 महीना जेल में रहने के बाद भी तुझे देश दुनिया के बारे में अभी तक अकल नहीं आई क्या बिल्ला? हर एक दुनिया में तकलीफ देना अनिवार्य है, मैं मानता हूँ, लेकिन यहाँ पर एक को मारे बिना दूसरा जी नहीं सकता। इसलिए तू इतना आगे तक जाएगा क्या कर रहा है बिल्ला? तू आनंद में रहा कर बिल्ला। क्या रे शैला, ऑफिस के सामने खड़े होकर इतना बड़ा दाढ़ी रखता है, तेरे सर्विस स्टेशन की क्या कहानी है? मर्द हूँ बेला, तेरे जैसा नामर्द बन के थोड़ी रह सकता हूँ, समझा क्या? ओ, राम को भी दाढ़ी मूछ नहीं थी, कृष्ण को भी दाढ़ी मूछ नहीं थी, तो वो सब क्या था? उनका महत्व नहीं है क्या? जेल से आने के बाद पागल हो गया है क्या रे बेला? ये सब क्या बात कर रहा है, तुझे समझ में आ रहा है क्या? ये सब मेरी समझ में नहीं आया, चल बैठ कर बात करते हैं। तेरे जेल जाने के बाद मंडिया बहुत ही ठंडा हो गया है। अब यहाँ से शुरू होगा बेला का एक खौफनाक खेल। मंडिया के हर एक कोने में बेला के सामने सब सर झुकाएंगे। ये कौन सा कड़क माल डाला है रे बेला, गले में फंस रहा है। जिंदगी भी ऐसी है शैला, मैं भी बहुत खतरनाक हूँ। ऐसे क्या देख रहा है बे कमीने, फिर से मेरा जमाना शुरू हो गया, कल से सारे न्यूज़पेपर पे मैं रहूंगा। श्री शैला के मरने के बाद भी तुम उसे इतना मार रहे थे, उसने आखिर ऐसा क्या किया था बिल्ला? उसे मारने का इतना बड़ा कारण तो नहीं था? इस धरती पर खून सिर्फ दो ही वजहों से होते हैं। पहला, दुश्मन को इसलिए मारा जाता है कि जिस सिंहासन पर वो बैठा है उसी सिंहासन पर अब हमें बैठना होगा, और दूसरा, वो हमारे रास्ते में ना आए इसलिए उसका खून करना होता है। अबे किसको हटाने की बात कर रहा है? कोरिया करियप्पा को, उसे अगर मार दिया तो सारा रास्ता हमारा होगा, फिर हम जो चाहेंगे आराम से कर सकते हैं। देख बिल्ला, कांटा हमेशा एक तरफ नहीं रहता, ऊपर नीचे होता रहता है। होने दे, ये पूरी दुनिया एक तरह से बिजनेस है। मेरा नाम अक्षय कुलकर्णी है, मैं एक प्रेस रिपोर्टर हूँ। तुम लोग जो बात कर रहे थे मैंने सुना, तुम लोगों से मुझे एक मदद चाहिए। कैसी मदद चाहिए? तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। रुद्रा नाम का एक बहुत बड़ा गुंडा है, तुम लोगों को मेरे लिए उसका मर्डर करना होगा। हम सुपारी किलर्स नहीं है। नहीं हो सकता, जाओ यहाँ से। देखो, इसके लिए मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, पुलिस डिपार्टमेंट से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं देख लूंगा। नहीं हो सकता, कहा ना। कहा मिलेगा वो? आने वाले 10 तारीख को बीजापुर के सेंट्रल जेल से वो छूटकर बाहर आएगा, उसी दिन उसको खत्म करना होगा। पैसे के मामले में हिसाब उसी दिन चुकता हो जाना चाहिए। इस बारे में तुम लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इस बात का ख्याल मैं रखूंगा। काम होने के बाद मिलेंगे। ये मेरा विजिटिंग कार्ड है, बाद में मिलते हैं। तूने क्यों आ कर दिया बेला? ये खून करके दिखाऊंगा
कि बिल्ला कितना खतरनाक हो सकता है पूरी दुनिया देखेगी। बेबी चल लव करते हैं। बेला तू जो कह रहा है ना, अगर वो बच्चों ने सुन लिया तो? इसलिए जब भी तुम्हारा लव करने का मन करे ना, तुम चुपके से मेरे पास आ जाना और पूछना मैं तेरी वॉशिंग मशीन यूज कर सकता हूँ क्या। वो ठीक है। बेला चाहिए थे तुम मेरी वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हो। नहीं रहने दो डार्लिंग, मैंने अपने कपड़े अपने हाथों से ही धो लिए हैं आज। ए, बोल बे। बिल्ला अपने क्लासमेट हरीश को किसी ने बहुत मारा यार। अभी कहाँ है वो? तृप्ति नर्सिंग होम में। आता हूँ रुक। हरीश कौन से वार्ड में? फर्स्ट फ्लोर पर। फर्स्ट फ्लोर। हे आराम से संभल कर। क्या हुआ, कैसे हुआ ये सब? हाँ बेला, मैंने तेरे से एक बात छुपाई है। हमारी कॉलेज की आनम है ना, मैं उससे प्यार करता था। अरे ऐसा मत करो, मुझे तुम छोड़ दो ना। तुम्हें छोड़ ही तो रहा हूं। चुप रहो यार, उसके भैया को ये बात पता चल गई। उसका भाई? अबे तुझे कोई और लड़की नहीं मिली क्या? मटन कलेल नाम है यार उसका, उसका भाई। उस एरिया का बहुत बड़ा डॉन है भाई, उसे देखते ही लोग कांपने लगते हैं वहां पर। आदमियों के साथ आकर उसने मुझे बहुत मारा भाई। मुझे भी यही चाहिए था। तुझे शादी करना है ना, सब कुछ रेडी करके मंदिर में आ जा, लड़की को लाने की पूरी जिम्मेदारी मेरी है। ये सब कुछ इतना आसान नहीं, उसके पास बहुत सारे लड़के हैं। वो चाहे जैसा भी हो, लड़की को मैं लेकर के आऊंगा, वादा करता हूं तुझसे। कबूल है? कबूल है। एक्सक्यूज मी,
इतनी अच्छी कर्ली हेयर स्टाइल छोड़कर, सिंगल पीस कपड़े पहनकर, बॉडी को डेफिनेशन देकर हमारे कॉलेज की सभी लड़कियों को डोमिनेट कर रही हो तुम। भला ये वहाँ आप नहीं तो क्या? इतना ही ना, मुझे कुछ और ही लगा। मुझे ऐसे ही रहना पसंद है। मेरा भी ऐसा ही है, ऐसे लोग मुझे बहुत पसंद आते हैं। सॉरी रियली वेट अ मिनट, आपका नंबर क्या है? ये सब मेंटल सिम्टम्स हैं। जाओ जाकर किसी हॉस्पिटल में दिखाओ। फिर भी नंबर तो बता दीजिए। लगता है तो मुझे नहीं छोड़ोगे। तुम्हारे पास पेन पेपर है क्या? लिख लो AB/AG +2MP +4WD +4WD +9MC +9MC is equal to ABC। अरे नंबर मांगा था, ये क्या गणित सिखा कर जा रही हो? उसमें मेरा नंबर है, फॉर्मूला सॉल्व करो और नंबर निकाल लो। हे, बाल अच्छे लगे, नंबर पूछा तो मैथ से सिखाने लगी मुझे। हे गूगल, लड़कियों के पीछे पढ़ने का नहीं यार, दिमाग खराब कर देती हैं। पहली बार लड़की से नंबर मांगा तो मुझे मैथ से सिखाने लगी, यार कमाल है। ABC? हाँ यार, तू कुछ जानता है तो हेल्प करना प्लीज। ABC सिंपल है यार, पेन और पेपर दे मुझे। वो फॉर्मूला क्या है? वो है AB/AG +2MP +WD +9MC = ABC है यार। सिंपल है यार, यहाँ पर देख, अब बाय अपन अ गर्ल, हाँ, +2 minus pleasure हाँ, +4 white rust हाँ, +9 month course is equal to ABC। A beautiful check यार। बापे, नंबर का है भाई। रुक रुक, वो ढूंढते हैं। अरे यार मिल गया यार। अच्छा उत्तर ही तो। बोल नंबर बोल। 9294 9294 9294 9294 9294 ये नंबर डाल कर। हेलो, मैं बेल्ला बोल रहा हूँ। हेलो वो, अरे यार ये मोबाइल का बैलेंस भी इसी समय खत्म होना था। अरे बिल्ला तू कुछ भी बोल, ये लड़कियां और मोबाइल में कोई अंतर नहीं है। साला बैलेंस खत्म हो जाता है तो दोनों डिस्कनेक्ट हो जाते हैं।